जेल से रहा हुई सांसद नवनीत राणा, कल मुंबई कोर्ट ने दी थी जमानत। 12वें दिन हुई जेल से रिहाई, जेल से रिहाई के बाद लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत। गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद नवनीत राणा को कल जेडी अस्पताल ले जाया गया था। 5 घंटे तक डिपार्टमेंट में चला था इलाज। मुंबई सेशन कोर्ट ने 6 शर्तों के साथ राणा दंपति को बेल दी थी। मीडिया से बात करने पर रोक। पुलिस ने नवनीत और रवि राणा पर भड़काऊ बयानबाजी, समाज में अशांति फैलाने के आरोपों के तहत किया गया था मामला दर्ज। बाद में पुलिस ने दोनों पर लगाया राजद्रोह का केस। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 मीटर अंदर मिली सुरंग। चक फकीरा पोस्ट के पास मिली सुरंग, बीएसएफ ने कहा अमरनाथ यात्रा को बाधित करना चाहते थे आतंकी। सुरंग की जांच कर रही बीएसएफ की टीम, 1.5 साल में 5 सुरंग खोजी। सूत्रों के मुताबिक भारतीय क्षेत्र में सुरंग का मुहाना तारबंदी से महज 50 मीटर फासले घास के नीचे छिपाई गई थी। कोरोना के 2 साल बाद 30 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा, सांबा में सुरंग मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। हरियाणा के करनाल में आतंकवाद के खिलाफ बड़ा एक्शन, बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोलियां और गोला बारूद बरामद। महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे आतंकवादी, बस्ताड टूल के पास हुई गिरफ्तारी। आतंकी अरविंदर सिंह से है आतंकियों का संबंध, पाकिस्तान में मौजूद अरविंदर उर्फ रिंदा ने भेजी थी लोकेशन। बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकी, ड्रोन के जरिए हुई थी हथियारों की सप्लाई। जोधपुर में झंडे पर की हिंसा के मामले में अब तक 141 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में 6 मई की रात 12 बजे तक बढ़ा कर्फ्यू। जोधपुर हिंसा के मामले में अब तक 14 FIR, उपद्रव के दौरान 50 वाहनों में तोड़फोड़ का दावा। पुलिस ने शुरू किया नुकसान का सर्वे, हिंसा में 13 मकान और 5 दुकानें क्षतिग्रस्त। उपद्रव के दौरान घायल हुए 9 पुलिसकर्मी, जोधपुर पुलिस का दावा फिलहाल नियंत्रण में है हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गुलाबगंज कटारिया का बड़ा बयान, उपद्रव में PFI का हाथ होने की दावा। करौली, जोधपुर और अलवर के बाद भीलवाड़ा में भी तनाव, एक समुदाय के 2 युवकों पे हमला। संगानेर इलाके में उपद्रवियों ने दोनों युवकों को बुरी तरीके से पीटा, उनकी बाइक को कर दिया आग के हवाले। भीलवाड़ा का संवेदनशील इलाका है संगानेर, युवकों से मारपीट के बाद पुलिस बल तैनात। राजस्थान हिंसा में बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पलटवार, आरएसएस और बीजेपी पर दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। यूरोप के 3 देशों की यात्रा के बाद भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। मुंबई में 36 मस्जिदों के धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, बिना लाउडस्पीकर के होगी सुबह की अजान। मुंबई की मशहूर मिनारा मस्जिद में बिना लाउडस्पीकर के दी गई सुबह की अजान, मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक के बाद फैसला। 7 मुंबई की सुनी बड़ी मस्जिद में हुई बैठक, भाईखला के मदनापुर, नागपाड़ा और अग्निपाड़ा इलाके में मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं होगी लाउडस्पीकर पर अजान। हमारे यहाँ, हमारे एरिया में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार अजान दी गई है,
बिना माइक के सुबह 6 बजे अजान, 6 से पहले अजान जो हुई है वो बिना माइक की दी गई है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुस्लिम समुदाय को बड़ी पहल, सुबह की अजान बगैर लाउडस्पीकर के करने का फैसला। रत्नागिरी शहर पुलिस थाने में हुई करीब 30 मस्जिदों के प्रतिनिधियों की बैठक, पुलिस के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। बगैर लाउडस्पीकर के होगी सुबह की अजान, बाकी अजानों के लिए होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कानून हाथ में नहीं लेने का हुआ फैसला, पुलिस को दी जाएगी सूचना। वाशिंग में बगैर माइक और लाउडस्पीकर के हो रही है मस्जिदों में सुबह की अजान, लोग घर घर जाकर लोगों को नमाज के लिए उठा रहे हैं। लखनऊ के बाद अमीनाबाद के पुराने हनुमान मंदिर परिसर में चला बुलडोजर, अवैध रूप से बना कॉम्प्लेक्स जमींदोज। 15,000 स्क्वायर फीट में बन रहे कॉम्प्लेक्स पर चल गया बुलडोजर, नगर निगम के अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर रहे मौजूद। मंदिर की आड़ में चल रहा था अवैध निर्माण, बेसमेंट के साथ 2 मंजिला निर्माण किया गया था। कानपुर में एक मदरसे के अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे में सरकारी जमीन पर निर्माण कराए गए हिस्से को खाली कराया गया। मदरसे के प्रिंसिपल का आरोप, बगैर कोई नोटिस दिए एंटी भूमाफिया कार्रवाई की आड़ में मदरसे को पहुंचाया गया नुकसान। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक पार्टी बनाने से इनकार, कहा जरूरत हुई तो नई पार्टी बनाएंगे और वो सिर्फ मेरी नहीं सबकी पार्टी होगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा बिहार को नई सोच के साथ बदलना होगा, नई दशा और नई दिशा देना होगा। 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर, 2 अक्टूबर से पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी यात्रा। 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर बंगाल बीजेपी नेता ने स्वागत किया। बंगाल के हरदासपुर में बीएसएफ जवानों के बीच पहुंचे अमित शाह, का चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वालों जवानों को मिलेगी हर सुरक्षा। तेलंगाना और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हैदराबाद में संगठन पदाधिकारियों से बैठक, महबूब नगर में करेंगे जनसभा। कल कोझिकोड पहुंचेंगे जेपी नड्डा, सुरेंद्रन की बेटी की शादी में करेंगे शिरकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 मई को करेंगे गुजरात दौरा, दाहोद से आदिवासी अधिकार सत्याग्रह अभियान की करेंगे शुरुआत। किसान नेता राकेश टिकैत ने सादा सरकार पर निशाना, कहा लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ित परिवारों को अभी तक नहीं मिला न्याय। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में 20 करोड़ के घोटाले का खेल, गाजियाबाद के डीएम रही निधि सस्पेंड। दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 बच्चों के बीच झगड़े के बाद आमने सामने आ गए 2 समुदाय के लोग, दोनों तरफ से चले पत्थर। द ग्रेट खली के बाद भदोही के रिंकू सिंह ने WWE में मचाया धमाल, विदेशी पहलवानों को चढ़ा दी धूल। श्रीलंका की मदद के लिए आ गया है डीएम के सांसद, 1 महीने का वेतन सीएम फंड से करेंगे दान। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर अर्जुन रणतुंगा ने की सत्य साई ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी से मुलाकात, श्रीलंका के लिए मांगी मदद। श्रीलंका के बिगड़े हालात पर भी रणतुंगा ने की चर्चा, मानवता के लिए सत्य साई के काम की तारीफ की। बढ़ती महंगाई को लेकर ममता बनर्जी ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, महंगाई के लिए ठहराया जिम्मेदार। 2 दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, महंगाई को बताया वैश्विक चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, रिलीज होगी अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड।
खरगोन को कर्फ्यू से मिली मुक्ति, शांति समिति की बैठक में सदस्यों के सुझाव के बाद बड़ा फैसला। खरगोन के सांसद का भड़काऊ बयान, लोगों से कहा शास्त्र के साथ घर में हथियार भी रखें। राजस्थान के जालवाड़ा में गिराया बिजली संकट, काली सिंध थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट वायरल की हुई तकनीकी खराबी। पटियाला के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव, कैंपस को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। छात्रों में कोरोना के हल्के लक्षण, अलग ब्लॉक में किया गया आइसोलेटेड। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के बच्चों की जिंदगी बदल रहे हैं एमएससी के छात्र विवेक, बच्चों में जगा रहे शिक्षा की अलग। भागलपुर में दिखी अनोखी शादी, 3 फीट के दूल्हे को मिल गई दुल्हन। मुरादाबाद में बच्चे के साथ ड्यूटी करती महिला कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने दिया संज्ञान, कम दबाव वाले क्षेत्र में ड्यूटी लगाई। रांची की 11वीं की छात्रा अनीता ने किया प्रदेश का नाम रोशन, फीफा के अंडर 17 में चयनित। मध्य प्रदेश के बन्ना में चमक गई मजदूर की किस्मत, उतरी हीरा खदान में मिल गया जेम्स क्वालिटी का 11.88 कैरेट हीरा। SBI इकोरेप रिपोर्ट में जून और अगस्त में रेपो रेट बढ़ाए जाने का अनुमान जाहिर किया गया है, 2022-23 में कुल 75 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान। RBI के बाद USFED ने भी ब्याज दरों में 0.5% की कर दी बढ़ोतरी, महंगाई से निपटने के लिए दो दशकों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। ICICI और बैंक ऑफ बड़ौदा ने RBI के ऐलान के बाद ब्याज दरों में कर दिया इजाफा, रेपो रेट से लिंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी। 2021 में करीब 78% भारतीय कंपनियां रैंसमवेयर का शिकार बनी, कुछ कंपनियों ने अपने डेटा को वापस पाने के लिए 76 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। स्पाइसजेट मामले में AIB करेगी मुंबई दुर्गापुर विमान हादसे की जांच। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव के बाद 1 जुलाई से बिलिंग साइकिल बदलने का मिलेगा मौका, ग्राहकों को होगा फायदा। 11 से 13 मई तक खुलेगा डेली वियर का IPO, 5,235 करोड़ रुपए जुटाने के लिए 462 से 487 रुपए रखा प्राइस बैंड। समय से पहले तेज गर्मी के असर से इस साल 5.7% घट सकता है गेहूं का उत्पादन। गेहूं की कम खरीद और निर्यात के बावजूद देश में गेहूं का भरपूर स्टॉक होने का सरकार ने दिया भरोसा, निर्यात के लिए मिस्र, टर्की और यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने खोले दरवाजे। कारोबार जगत में बेहतरीन कामकाज के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटी ने भारतीय कारोबारियों को डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी। रूस यूक्रेन जंग हुई और भयानक, 71वें दिन पूरे यूक्रेन में जारी किया गया हमले का अलर्ट। कई शहरों में बज रहे हैं खतरे के सायरन, निप्रो, माइकोलाइव, ओडिशा, ज़ियोपोर्ज़िया, डोनबास समेत रूस के कई हिस्से को टारगेट किया। यूक्रेन के शहरों पर रूसी सेना का बरपा कहर, खार्किव, डोनेत्स समेत कई शहरों पर रूस ने बरसाई मिसाइल। रूसी सेना पर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप, खार्किव में बच्चों के पार्क में हुआ जोरदार धमाका। राजधानी कीव में कब्जे की जंग में यूक्रेनी सेना की जवाबी कार्रवाई, यूक्रेन ने मार गिराया रूसी फाइटर प्लेन। जंग में अब तक 12 रूसी जनरल को मार गिराने का यूक्रेन का दावा, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सभी अपराधों का जवाब युद्ध के मैदान में देने का वादा किया। लिबरेशन डे पर डेनमार्क की संसद को यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया संबोधित। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के खिलाफ रूस पर 1993 की मिसालों के इस्तेमाल का लगाया आरोप, ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर यूक्रेन और दूसरे यूक्रेन देशों पर कब्जा करने का सपना देखने का भी कही बात। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस पर और शिकंजा कसने की तैयारी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बनाया प्लान। जो बाइडेन ने G7 समूह के देशों के साथ चर्चा कर पाबंदियों को सख्त करने का दिया ऐलान।
उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सख्त, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आलोचना की। गुटेरेस ने कहा यह पड़ोसी देशों और उनके सहयोगियों के साथ बढ़ाएगा सैन्य तनाव। बुधवार को उत्तर कोरिया ने पूर्वी इलाके में दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल। फिनलैंड में 5 देशों का सादा युद्ध अभ्यास। पश्चिमी इलाके में मिनी सालों में चल रहा युद्ध अभ्यास। साझा सैन्य अभ्यास में ब्रिटेन, अमेरिका, एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड की फौज ले रही है हिस्सा। वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी पुष्टि। ब्लिंकन पूरी तरीके से ठीक है, सिर्फ हल्के फुल्के लक्षण हैं। मंगलवार को ब्लिंकन ने स्वीडन और मैक्सिको के मंत्रियों के साथ मुलाकात की। दुनिया में गहरा भुखमरी का संकट, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 19 करोड़ 30 लाख लोगों को नहीं मिलता पर्याप्त खाना। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते बीजिंग में कई मेट्रो स्टेशन पर लग गए ताले। मैड्रिड ओपन के तीसरे राउंड में पहुंचे पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल, कड़े मुकाबले में सर्बिया के खिलाड़ी को मात दी। 5 बार के मैड्रिड ओपन चैंपियन है राफेल नडाल, बेल्जियम के डेविड से होगा अगला मुकाबला।